बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खवातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम आपको उन हकायक से बाखबर करें जो कि इस वक्त बहुत ही अहम नौइयत के हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, और ये चीज़ मेरे कायद मेरे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी इस पे एलैबोरेट किया था कि हमने जो रकम कलेक्ट की थी वो 458 बिलियन रुपीस थी और टारगेट हमारा अगले सालों में तकरीबन 1100 अरब रुपए थी। इस वक्त जब से ये हकूमत जो पीडीएम हकूमत जो आई थी पीडीएम वन, उन्होंने कवानीन ऐसे लाए कि उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ ड्राई क्लीन किया बल्कि अपने लिए एक अंग्रेज़ी में कहते हैं गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड वो अपने आप को दिलवाया आइन में तरामीम करके, और फिर अपने आप के लिए ताहियात अपने आप को क्लियर कराया कि उनकी कोई भी करप्शन का शवाहिद मिले तो वो शवाहिद यहाँ पे पाकिस्तान में किसी अदालत में ना इस्तेमाल हो सके। पहली चीज़। दूसरी अहम चीज़ ख़वातीन हज़रात ये कि कहाँ पे 458 बिलियन और कहाँ पे आपका चंद करोड़ रुपए जो नैब की कलेक्शन में इकट्ठे हुए इनके दौर में। ज़मीन और आसमान का फ़र्क। ये सिर्फ और सिर्फ इन दो पार्टियों ने मिलके पीपल्स पार्टी हो गई पीएमएलएन हो गई या एमक्यूएम हो गई, इन्होंने अपने लिए ये सब कुछ इंजीनियर किया। ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा था और वो हिस्सा यही था कि पाकिस्तान को लूटो और मज़े करो। आज आप दुबई लीक्स देख लें, जिन लोगों के वहाँ पे सारे ये शवाहिद आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया। हिमोसन नकवी को देख लें, इसका तो पहले टैक्स नंबर ही नहीं था, ये चैनल का मालिक है। पूछा जाए कि मियाँ आपके पास या आप टैक्स पेयर थे ही नहीं तो आपके पास वो पैसे कहाँ से आए जहाँ पे आपने एक मीडिया चैनल ख़रीदा और बाकी इन्वेस्टमेंट्स की, और आपने टैक्स कितना अदा किया। ये बहुत अहम सवाल आते हैं, दुबई की प्रॉपर्टीज़ कौन से टैक्स के पैसे से ख़रीदी गई, वो परमिशन कहाँ से मिली कि आपने यहाँ से पैसे रिमिट किए वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए, इसका सवाल हमें चाहिए। दूसरी अहम बात ये है कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की गई, एलसीज खोली गई। मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब था जब उसने ये किया। जो हमारा काश्तकार है उससे किसी किस्म की इस वक्त गंदम नहीं खरीदी गई। जो टारगेट्स थे वो उसके मैं समझता हूँ कि 10% भी गंदम नहीं खरीदी गई। पंजाब का काश्तकार पिस गया है, उसकी गंदम उधर ही पड़ी हुई है और मुल्क में एक बहुत बड़ा बुरहान बना है। आपका भी चावलों का क्राइसिस बनने वाला है, आपके चावल जो ईरान से पेट्रोल स्मगलों के अंदर आता है पाकिस्तान में तो उसकी जो पेमेंट है वो बार्टर ट्रेड के ज़रिए चावल के ज़रिए होती है। सारे का सारा चावल जो है ये स्मगल हो जाएगा पाकिस्तान से। और आज़म तारड़ जो वज़ीर कानून है वो साहब कहते हैं कि जनाब इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। भाई 450 अरब रुपए की आपने एलसीज खोली, किस साइंसदान ने आपको कहा कि जी ये आप गंदम बाहर से इंपोर्ट करें, और क्यों इंपोर्ट करें? नुकसान पाकिस्तान के हमारे मेहनत काश्तकारों का हुआ। इसके बाद आप ये देखें कि मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का
इसी हकूमत के लोगों ने तस्वीर लिखी और दिखाई कि जी उनके जेल में जो उनकी उनका जेल का सेल है उसकी वो तकरीबन आपका 7 फुट बाय 9 फुट कमरा, उनका बिस्तर उधर पड़ा हुआ, साथ ही वॉश बेसन, साथ ही एक छोटा टेबल, किताबें कोई लगी हुई हैं और मुसल्ला उधर है, एक छोटा सा कूलर उन्होंने रखा हुआ है उधर। मुझे ये बताएं, मियां नवाज शरीफ हो गए, मियां शहबाज शरीफ हो गए, ये बाकी जो आसिफ जरदारी जेल में रहा है, इनके पास तो एयर कंडीशनर्स की सहूलत मुहैया थी, इनके कमरों की आप देखें पूरा पूरा स्वीट होता था, कमरों का साइज़ देखें आप जाके चेक कर लें। इनके पास जो लोग मिलने के लिए जाते थे उनके लिए वहाँ पे अडियाला जेल में खाबे लगे होते थे, खाने खा रहे होते थे, बूफे चल रहा होता था, दिन में 60-75 आदमी उधर मिल रहे होते थे, दिन में आपका हज़ारों की तादाद से लोग उधर जाके मिलते थे, जेल में आते रहे पार्टी के लोग सारे कतार बना के यही जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे हम पे 18 मई को हम पे शेलिंग हुई उसी जगह पे यहाँ पे इन पे जनाब लोग कतारें लगा के वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उनको मिला करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को 20 मिनट से लेके आधा घंटा बमुश्किल, हफ्ते में एक बार उनको वकीलों की एक्सेस होती है बमुश्किल, उसके बाद अपने बेटों के साथ उनको महीने में एक बार जाके चंद मिनटों के लिए टेलीफोन पे इजाज़त होती है बात करनी, उसके बाद वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कायद हैं, फाउंडर चेयरमैन हैं, हम लोगों के साथ रऊफ साहब हो गए, मैं हो गया, अशरफ अली फराज साहब हो गए, हमारे बाकी साथी एमएनएस या एमपीएस 6 लोग सिर्फ मिल सकते हैं हफ्ते में, वो भी बमुश्किल 20 मिनट के बाद पुलिस वाले आके कहते हैं कि जी जेल अथॉरिटीज़ कि जी ये ख़त्म हो गया टाइम। इस पे जो आईजी जेल खाना चाहता है पंजाब का, वो मुस्लिम लीग नून का टाउट है, उसके बाद असद वड़ाइच जो जेल सुपरिटेंडेंट है डाले का, वो सबसे बड़ा टाउट है, कई बार हम लोग खुद गए और हमें नहीं मिलने दिया, कदकद लग जाती है। इंशाल्लाह ताला मेरा बहसियत है लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेरा इस्तकाक और प्रिविलेज ब्रीच हुआ है और इनको मैं बुलाऊंगा कौमी असम्बली में प्रिविलेजेस कमेटी में कि इनकी क्या मजाल के हमारा ये रास्ता रोकते हैं, इनसे हम लोग पूछताछ करेंगे और इनको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो आईजी जेल खाना जात हो लाहौर पंजाब गवर्नमेंट का, चाहे वो दूसरा टाउट जिसका नाम है डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब उसको बुलाएंगे, और उसके साथ ये अडियाला जेल का जो जेल सुपरिटेंडेंट है असद वड़ाइच इसको भी वहाँ पे हम लोग बुलाएंगे और इनकी जवाबदेही होगी वहाँ पे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि इस वक्त बजट के हवाले से बजट का इन्होंने टैक्सेशन का तरीक़ेकार नहीं बताया। इस वक्त पाकिस्तान में जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, हमारी सालमियत का थ्रेट है, ख़तरा है, इस वक्त इकॉनमी आपकी मईशत इन PDM-1 हुकूमत ने, आपकी केयर टेकर्स ने और इस PDM-2 हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दी है। पाकिस्तान के 1973 के आईन के मुताबिक आर्टिकल 73 में वाज़े तौर पे लिखा है कि फाइनेंस बिल ले होना होता है कौमी असम्बली में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद हैसियत मिनिस्टर ऑफ स्टेट 3 बजट पढ़ के और बना के पेश भी किए कौमी असम्बली में, आप सारे यहाँ पे मेरे ख़वातीन हज़रात मेरे प्रेस के साथी मौजूद हैं, आपको मालूम है यहाँ पे जो साथी बैठे हैं कि कौमी असम्बली में जिस वक्त बजट पेश होता है, इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करने से पहले वो पूरा एक पलंदा होता है दस्तावेजात का, उस पर आपके करंट एक्सपेंडिचर पिंक बुक की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एनुअल बजट स्टेटमेंट डिमांड फॉर ग्रांट्स
ये सारी और इकोनॉमिक सर्वे, ये सब कुछ हर एक एमएनए के डेस्क पे रखा जाता है। काबीना से शहबाज शरीफ आता है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर आता है और तकरीर शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ वो तकरीर वहाँ पे रखी गई, वो कौन से दस्तावेजात थे जो कि आइन के मुताबिक वहाँ पे ले होने थे, और आइन के मुताबिक जो बजट वहाँ पे पेश होता है आपका टोटल जो आपके किताबचे होते हैं, आपका फाइनेंस बिल होता है, वो सेनेट के पास ट्रांसमिट होता है, भेजा जाता है, और सेनेट की फाइनेंस कमेटी फिर सेनेट से वहाँ पे भेजी जाती है। वो डॉक्यूमेंट तो कौमी असेंबली में पेश ही नहीं हुआ, तो हमें क्या मालूम कि कौन सी चीज़ आई, क्या हमने देखा, क्या हमने उसको पढ़ा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। उसके साथ फिर आपका जो आपका खसारा है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा खसारा 7% का उधर रखा गया है। यहाँ पे ये देखें, कल भी आपके प्रेस के साथियों ने फाइनेंस मिनिस्टरों के कॉलिग से बात पूछी कि आप एक मेहनत कश पे उसकी मोबाइल की सिम बंद करते हैं और उससे टैक्स वसूली करते हैं, पर ये पक्के के डाकू जो हैं इनके अखराजात पे कोई कटकर नहीं आती, दुबई लीक्स में इनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं करता, उल्टा एफबीआर को इंस्ट्रक्शन आती है कि आपने वहाँ पे जाना नहीं है, नैब का मैंने आपको बता दिया। सो लिहाजा ये किस तरह की ये हकूमत है, ये किस तरह के निज़ाम में हम लोग रह रहे हैं कि यहाँ पे एक मुल्ज़िम को, एक शख्स को चंद हज़ार रुपये पे उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है किसी मुल्ज़िम को, और उसको 15 साल कैद सुनाई जाती है, पर ये अरबों के डाके मारने वाले लोग जो हैं ये धंधनाते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, और हुक्मरान बार बार बन जाते हैं। ये सब का साथ मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। इसके साथ आपकी तीसरी अहम चीज़ बजट के हवाले से बात हुई, अभी हम लोग आते हैं कि सरगोधा में जिस वक्त मैं वहाँ पे गया बैसियत है, क्योंकि मुझे नॉमिनेट किया गया उस केस में, तो मैं सुबह के वक्त तकरीबन 7:55 पे मैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उससे 200 मीटर दूर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, मैं वहाँ पे उतरा और वहाँ पे एसपी और डीएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा सिक्योरिटी सर्च हो रही है, हम लोग अभी थोड़ी देर में क्लियर करते हैं। काफ़ी देर गुजरी, एक बार अटेम्प्ट की जाने की, उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते हैं, पूरी पुलिस वहाँ पे राइट गियर में उधर आके खड़ी होगी, 6-7 थानों की पुलिस, 7 एसएचओ बमशमूल 4 आपके एसपीज वहाँ पे आ गए, उन्होंने कहा जी सर्च ऑपरेशन जारी है, इजाज़त नहीं दे सकते हैं। उनको मैंने बताया कि आप लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असम्बली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चड़ साहब का और मेरा आप रास्ता रोक रहे हैं, और हमारे एमएनए का आप रियासत के टूल्स हैं, आप औजार हैं रियासत के, आर्टिकल 7 आईने पाकिस्तान का पढ़े जिसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि रियासत के मानी क्या है, रियासत है कौमी असम्बली, आपकी सूबाई असम्बली, आपकी वफाकी हकूमत, सूबाई हकूमत, आपकी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या वो दारे जो टैक्स लगा सकते हैं वो रियासत है, आपकी पुलिस, आपकी मिलिट्री, आपकी मुसल्ला फौज, आपकी खुफिया एजेंसियां, आपकी एफसी लेवीज, ये सब के सब ये रियासत के टूल्स हैं, हम रियासत है, नेशनल असम्बली का हर एक मेंबर रियासत है, सूबाई असम्बली का मेंबर रियासत है, मरकजी हुकूमत रियासत है, सूबाई हुकूमत रियासत है, आप रियासत का रास्ता रोक नहीं सकते। तो ये बात करनी कि जिस तरह DGFIA ने लिखा था कि जी रियासत के खिलाफ बात करनी या उस पर, उसको मैंने रद्द किया, और ये अकल के अंधे, इनको इतनी होश नहीं है, इन लोगों को इन पोजीशंस में नहीं बैठना चाहिए जिन्होंने आईन और कानून का मुताला नहीं किया कि वो रियासत के लोगों को बुला रहे हैं।
हम खुद रियासत है, हम लोग किस तरह आपके खिलाफ बात कर सकते हैं? ये बात क्लियर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पहले दिन से एक ही उनका डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के खिलाफ ये केसेस ख़त्म होने चाहिए। ये सब के सब बोगस केसेस हैं। हमारे लोगों को, सीरान को इमीडिएट फिल फॉर रिहाई मिलनी चाहिए। आज देख लें आलिया हमजा साहिबा किन हालात में हैं, सनम जावेद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूदुर रशीद साहब, चौधरी इजाज़ साहब, उमर चीमा साहब, हमारे हसन न्याजी साहब मिलिट्री कोर्ट्स में, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, आप ये देखें कि हमारे लोग बरी होते हैं अदालत से, उनको एक बार फिर अरेस्ट किया जाता है। हम लोग सलाम पेश करते हैं जुडिशरी के उन जज साहिबान को जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जज साहिबान हैं जिन्होंने ख़त लिखा और वाज़ह तौर पे ख़त में लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एजेंट्स, और उस ख़त में उन्होंने लिखा और नेम किया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, और उसके बाद आपके एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोधा के जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को, चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और उन्होंने ये लिखा कि मुझ पे, यानी कि उन जज साहब के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी, और उन्होंने नाम लेके कहा ISI, उनके एजेंट्स ने उनको सदुकोब किया, उनको वहाँ पे बिठाई रखा, और बल्कि उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने अप्रोच किया शुरू के दिनों में, और वो चीज़ उन्होंने कहा कि मैंने उनसे मिलने से इनकार किया। उनके ट्रांसफॉर्मर को गोलियाँ मारी गईं, आज तक वो पर्चा जो है नामालूम अशखास के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है। उसके ख़िलाफ़ आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जज साहब को अंदर बिठाया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था, 3:30 बजे 4:15 बजे तक हम लोग बाहर गेट के अदालत का गेट खटखटाते रहे, फोर्स किया अपना रास्ता आगे जाके अदालत के गेट तक, हमारी बेल्स रिजेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि वो जज साहब ने जो अपना फैसला लिखना था उससे उनको रोका जा रहा था। जब आपके मुल्क में अदलिया का रास्ता अदल देने से रोका जाए तो फिर वो माशरा ख़वातीन हज़रात नहीं चल सकता। जिस मुल्क में अदल नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, आपकी रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वो मुल्क बदकिस्मती के साथ तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस मुल्क में किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट आने से लोग इज्तनाब करते हैं। इन दिनों में आप देख लें कि आपके बजट के अंदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं, अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पाकिस्तान में, 0/0। आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि SIFC अदारा बना इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उन्होंने क्या अचीव किया, बहसीत लीडर ऑफ द अपोजिशन, बहसीत कौमी असम्बली का मेम्बर, हम सारों को ये पूछना पड़ेगा कि ये जो इदारे बन रहे हैं इनकी आउटपुट क्या है, मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितनी नौकरियां बनी, और उसका सवाल का जवाब मैं खुद ही देता हूं, 0/0। वजह, क्योंकि क्वालिफाइड लोग इन इदारों में नहीं हैं। मैं ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, SIFC का हमें बताएं, हम लोग खुद फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, कि वहाँ पर कितने टेक्निकल लोग बैठे हैं जिनको पता भी हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस क्या हैं, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इन चीज़ों के करीब करीब ही वो लोग नहीं आए। सो लिहाजा ये मुल्क तब तरक्की करेगा जब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, जो मेरे महबूब का है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बार कहा है, और हम लोग डिमांड करते हैं कि सही फैसिलिटीज़ जो कि मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हक है बहसीत वज़ीर आज़म, वो उनको प्रोवाइड की जाए। बुशरा बीबी को एज अ फॉर्मर फर्स्ट लेडी जो उनका हक है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। और दूसरी अहम बात कि जो ये केसेस लगे हुए हैं स्टेट आइन बाय शाइन करके हर दूसरे दिन उस केस को डिले करती है इद्दत के, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सिर्फ, और बुशरा बीबी को सिर्फ उस इद्दत केस में अभी अंदर रखा हुआ है। हम लोग डिमांड करते हैं
कि वो फिलफोर उसका डिसीजन हो, और इंशाअल्लाह ताला हम ये तवक्को करते हैं और हमारी रब से ये दुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और हमारे असीरान जल्द अज़ जल्द सारे के सारे बाहर निकलें। ये वो अहम चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। जी आप बात करें। शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब, मेरा तो ख्याल था कि आप कर देंगे, लेकिन खान साहब से हमारी कल मुलाकात हुई है, उसमें उमर साहब थे, शिबली साहब थे, चेयरमैन गौर साहब थे और मैं था, और बड़ी डिटेल में मुलाकात हुई है। बहुत सारी बातें जो है वो ज़ेर बहस आई हैं। एक कंट्रोवर्सी जो कि मीडिया के ऊपर चल रही थी रिगार्डिंग के PTI जो है वो तीन पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है, तो इस सिलसिले में खान साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये बताया है हमें कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। बल्कि उन्होंने ये पूछा है कि जी इन पार्टीज़ को पहले अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है अपने स्पॉन्सर्स से, अपने जो पेट्रन्स हैं उनसे लेके हमें दिखाएं कि क्या इनके पास वाकई कोई अथॉरिटी है कि हमसे ये नेगोशिएट कर लें, और अक्रॉस द टेबल अगर ये कुछ वादे करते हैं हमसे तो ये डिलीवर भी कर सकेंगे। हमारी कंटेंशन पहले दिन से यही रही हुई है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ ममीज़ हैं, डमीज़ हैं, और इनकी तनाबें कहीं और से हलाई जाती हैं और ये उसके मुताबिक नाचते हैं। तो बड़ी क्लियरली उन्होंने बड़े ब्लंट अल्फाज में ये कहा है कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन तीन पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। सो इस सिलसिले में अगर कोई एम्बिग्विटी थी तो वो दूर हो जानी चाहिए कल की मीटिंग के बाद। मैं सिर्फ खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली बात की है कि हमारे अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद खान चकज़ई साहब वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें, वो अलायंस के प्लेटफॉर्म से है। पर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड है कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कम क्लीन, कि इन्होंने ये हमारी प्री रिक्विजिट्स पूरी करनी है। हमारे सिरान को मैं फिर रिपीट करता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे तमाम असीरान को हमारे खिलाफ़ जो केसेस हैं वो ख़त्म करें, उसके बाद भी बातचीत होगी। जी सर, अभी मैं सिर्फ 2-3 मिनट और लूँगा। जी मैं आपको याद होगा कि जब जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया अपनी प्रेजेंटेशन में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक लेटर लिखा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया था और उसको टेकअप किया था चीफ जस्टिस ऑफ तो सुप्रीम कोर्ट। तो उस लेटर में बहुत कुछ था। मेरा ख़्याल है कि अगर मकसद ये होता कि हमने इस मुल्क में अदलिया का निज़ाम ठीक करना है तो शायद उस मुल्क के जो उस लेटर के जो मंदरजात थे और जो उसमें रिकमेंडेशंस थी, ख़ासकर एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का, तो उसको बुलाया जाता ताकि तमाम और जज साहिबान जो है वो भी उसमें शामिल होते और उनके जो इम्प्रेशन हैं, जो उनके जज्बात हैं, उनको भी आप कैप्चर करते और उसके मुताबिक फिर आगे की तरफ बढ़ा जाता। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने, मैं नहायत अदब के साथ ये कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसा करना मुनासिब ना समझा, बल्कि उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव जो कि इम्प्लिकेटेड थी उस लेटर में, एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में उस छः जज साहिबान के लिखा हुआ जो लेटर था उसमें उनको इम्प्लिकेट किया गया था, तो उसी में से एक इम्प्लिकेटेड पार्टी को, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव को, उन्होंने ऑथराइज किया जी कि आप एक कमीशन बना दें। तो उसके ऊपर भी हमने प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी की थी कि ये मामला जो है इसको आगे की तरफ बढ़ाने की बजाय आप उसको स्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उस कमीशन के जो अपॉइंटेड हेड थे उन्होंने इनकार किया उस कमीशन को हेड करने की कैसे, बिकॉज के वो SOPs जो होते उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उससे वो एग्री नहीं करते थे, तो उसके बाद ये हाई कोर्ट्स को लेटर लिखा गया था, 4 प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स को लेटर लिखा गया था कि आप अपने तासुरात जो हैं हमें लिख के भेजें। तो पहली डिमांड तो चीफ जस्टिस साहब से मेरी ये है कि वो जो हाई कोर्ट्स ने जो अपने लेटर्स लिखे थे वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको पब्लिक के लिए उनको करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि उन लेटर्स में क्या उन्होंने कहा था। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मेरे दौरे हुकूमत में, दौरे हुकूमत का मतलब है कि जितनी देर से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बने हैं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं रहा।
आज के जो हकायक हैं जिनका इयादा उमर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले किया है कि पहले तो वो 6 जज साहिबान का जो लेटर था उसने इसको गलत साबित किया है, उसके बाद आज जो ATC के जो जज हैं सरगोधा में उन्होंने जो उन्होंने लेटर लिखा है लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, उसके जो मंदरजात हैं उसमें कुछ मंदरजात मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने बड़े कैंडिडली कहा है कि मेरे ऊपर सख्त प्रेशर रहा है और मेरे और कॉलीग जजेस के ऊपर भी सख्त प्रेशर रहा हुआ है। तो एक तो वो लेटर जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान ने लिखा था वो भी चीफ जस्टिस साहब के दौरे हुकूमत में है। नंबर दो, ये सरगोधा ATC के जो जज हैं इनके जो ख़त के मंदरजात हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनके चीफ जस्टिस के टेन्योर के दौरान के हैं। और इसके अलावा आज जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खिताब किया है शहजाद अहमद ख़ान साहब ने, उन्होंने तो बहुत ही खुल के इस चीज़ का इजहार किया है कि हमारे ऊपर प्रेशर रहा है और आज भी प्रेशर है और बहुत सारे जज साहिबान जो है वो इस प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, मेरा ये हक है कि मैं उनसे पूछूं कि अब तो आपके दौरे चीफ जस्टिस होने के दौरान ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो आज हमें बताया जाए कि आपने इन जो कंप्लेंट्स हैं इनके बारे में क्या इकदाम किए हैं ताकि पाकिस्तान की जुडिशरी को इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के असरात से आज़ाद करवाया जाए ताकि वो आईन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक अपने फ़ैसले सादर करना शुरू करें। ये मेरा हक है, ये उमर साहब का हक है, ये आप सबका भी हक है। तो ये खामोशी जो है, अच्छा उसके बाद एक चीज़ मैं और उजागर करूँ कि वो जो लेटर था उसके बाद कोई उसके ऊपर फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है कि वो लेटर भी किसी रद्दी का टोकरी जो है उसमें डाल दिया गया है और उसके ऊपर और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि हम इस मामले को दबने नहीं देंगे, हम इसको दफन नहीं होने देंगे, हम इसको एजिटेट करते रहेंगे। चीफ जस्टिस साहब से आज इस फोरम से मेरा ये सवाल है कि हमें बताया जाए कि वो इन जो सबमिशंस हैं मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ जजेस की, मुख्तलिफ जस्टिसेस की जो उनको आई हैं, इसके ऊपर उन्होंने क्या इकदाम लिए हैं या क्या इकदाम लेने का उनका इरादा है। ये हमारा हक है, अगर वो नहीं कुछ हमें बताएंगे तो हम उससे ये नतीजा अखज करने में हक बजानब होंगे कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो, जो हमारे खदशात भी हैं, जो हम बसा औकात उसका इजहार भी कर चुके हुए हैं। थैंक यू सर। मुझे लगे यहाँ पे आखिरी चीज़ मैं ये बात करूँगा कि हम लोग मुतद्दद जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों ने, तहरीक तहफ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और PTI के प्लेटफॉर्म से जलसों के लिए हमने अप्लाई भी किया। क्वेटा में टाइम मिल गया कन्वेंशन के, वर्कर्स कन्वेंशन के लिए। कराची में अभी तक वो पेंडिंग है, अदलिया के पास, फैसलाबाद में भी पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट के पास, बाकी जगहों में जब भी हम लोग अपना आईनी हक फ्री स्पीच का एक्सरसाइज करते हैं उससे एक दो दिन पहले पंजाब पुलिस, जो कि इस वक्त एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, एक इनडिसिप्लिन फोर्स बन चुकी है, एक डाउट डॉक्टर उस्मान की सरबराई और उसके ऑफिसर्स की सरबराई में डाकू फोर्स बन चुकी है, वो आके लोगों के घरों पे तोड़फोड़ करते हैं। शौकत भट्टी साहब के घर पे एक वर्कर्स कन्वेंशन था, बहसीत लीडर ऑफ द अपोजिशन में वहाँ था, मेरे साथ पंजाब के लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, बाकी साथी थे। हमारे जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने कई MPS को हरासा किया, तोड़फोड़ की और चोरी चकारी की। इसी तरह बाकी जगह में प्रेस के लोगों को, हमारे सोशल मीडिया टीम के साथियों को, हमारे वर्कर्स को उनके घरों में जाके रात की तारीकी में जाके खवातीन को हरासा करना, तोड़फोड़ करनी, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये एक बनाना रिपब्लिक की अलामत है और इन लोगों के ख़िलाफ़ हम लोग कानूनी एक्शन इंशाल्लाह ताला करेंगे। एक एक शख्स का हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उसको कानून के कटेड़े में ज़रूर हम लोग खड़ा करेंगे। यहाँ पे चाहे वो अज़र मशवानी साहब के भाइयों जो कि इन्फोर्स डिसअपीयर्ड लोग हैं, या इस वक्त इमरान रियाज खान साहब, उनको किस केस में उनको रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है, उनको अरेस्ट किया है, एक ऐसे शख्स को
जिसको अल्लाह ताला के घर में बुलावा आया था, जो एहराम की हालत में एयरपोर्ट जा रहे थे हज का फरीजा सर अंजाम करने के लिए, और मैं तो बहसीत मुसलमान मेरे रोंडे खड़े हो जाते हैं उन लोगों की आखिरत का सोच के। वो कब्र में हर एक शख्स ने जाना है जिन लोगों ने ये इमरान रियाज खान साहब को हरासा करने का और अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए, वो अपनी कब्र में क्या जवाबदेही करेंगे आखिरत के दिन कि उन्होंने अल्लाह ताला के मेहमान को, एक हाजी, एक हज पे जाने वाले शख्स को उन्होंने अरेस्ट किया और उसका रास्ता रोका। इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि अजहर मशवानी साहब के भाई जो प्रोफेशनल्स हैं, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको फिलफौर रिहा किया जाए, इमरान रियाज खान साहब को रिहा किया जाए और बाकी हमारे जो साथी हैं उनको रिहा किया जाए, और प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो जर्नलिस्ट काम करते हैं उनके खिलाफ ये हरासा करना, डराना, धमकाना, उनके घरों में रेड्स करना, ये खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा भाव अभी भी बाकी है। आपने फरमाया कि वादी पीटीआई ने कहा है कि इन तीन जमातों से पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन अचक से साहब चाहे तो वो बात कर सकते हैं। ये अभी तय पाया है आपने ग्रैंड अलायंस से, क्योंकि हर दो दिन के बाद मुजाकरात की बात आती है, तो अभी तो वहीं पर खड़े नजर आ रहे हैं। अगर अलायंस के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ पार्टीज हमारी शामिल हैं, अलायंस के प्लेटफॉर्म से अचकज़ई साहब के पास ये बात है कि वो बातचीत या करें तो पॉलिटिकल फोर्सेस से करें, पर ये बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत क्लियर चीज़ है कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी लीडरशिप, हमारे एक्टिविस्ट इन सारों को रिलीज करना पड़ेगा किसी भी मीनिंगफुल डायलॉग से पहले, और साथ हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो वापस मिलेगा। अगर देखिये, सबसे पहली बात यह है कि आपका हमारी 180 सीटों पर डाका डाला हुआ है इन पक्के के डाकुओं ने, पहले वो वापस करें। मेरे कायद को, मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे असीरान को, सारों को बाहर निकालें, केसेस ख़त्म करें, और ये चीज़ महमूद खान अचकज़ई साहब और हमारे सारे अलायंस के लोग और मौलाना फजल रहमान साहब भी उसमें इंक्लूडेड है, सारों ने कहा है कि ये डाका हमारे मैंडेट पर पड़ा है और ये इलेक्शन जो है ये ठीक इन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये मुतालबा तो आपका है की रिहाई का और बाकी अजीरान की रिहाई का, अगर नहीं होती तो फिर क्या बिल्कुल मुजाकरात का अमल शुरू नहीं होगा, बल्कि रिहाई के लिए मुजाकरात होंगे? एक तो ये, और दूसरा इस सवाल का एक जवाब देना, एक इसका जवाब ले लेना, इसका जवाब ले लेना, इसका जवाब दे लेना, फिर दमादम मस्कल अंदर करेंगे हम लोग। फिर हमारा देखें, हमने तो एक, मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम पे काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में एक बात की, उन्होंने एग्जैक्टली टिका खान साहब यही क्वेश्चन किया और मैंने यही जवाब दिया, हम लोग एक मूवमेंट तहरीक तहफ़ुज़ है आईने पाकिस्तान, एक पुरमन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज इकट्ठी हो रही हैं। हर दिन आपके जुडिशरी के लोग जो ज़ेर ताब हैं, जिन पर जिनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इन सारे लोगों को हम लोग नहीं, ये सारी फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं और हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए या ये पक्के के डाकू नहीं आते तो फिर रास्ता खुला। एक फजल रहमान के वाले से सवाल हुई, उसी का हिस्सा था, वो कहते हैं कि जब कोई अड्याला जाता है तो हर कोई अपने अपने नुक्ता नजर से आके बात करता है, कोई वादे नहीं है पिक्चर कि हमसे मुजाकरात किसने करने हैं, पहले वो वादे हों फिर हमें बताएं। तो मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है? हमारी, मेरी खुद भी मुलाकात हो चुकी है हमारे हमारे असद कैसर साहब की, और हमारी तहरीक, हमारे तहरीक तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी, और वो वाज़े है, उनका एक अपना रास्ता है जो कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है, हमारा अलायंस का अपना रास्ता है जो कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है, और ये रास्ते पैरेलल में चल रहे हैं। सर एक सवाल लीजिएगा, जो शिराज ने भी
किया कि अगर तो महमूद खान अचकज़ई साहब उनसे मुज़ाकरात कर लेते हैं और जैसे आपने कहा कि अगर इन कायदीन को या जितने भी लोग जेल में हैं उनकी रिहाई हो जाती है तो आप भी उस मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे या उनको फ्रंट पे रख के आप लोगों को इस वक्त बैक डोर खेलना चाह रहे हैं? सबसे अहम बात ये कि मुज़ाकरात या इन चीज़ों पर हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस मिलता है, हमारे असीरान वापस आते हैं, उसका मतलब होगा हम हुकूमत में होंगे इंशाल्लाह। नहीं, नहीं उसके बाद हमने डिसाइड कर दिया, नहीं उसके बाद तो हम हुकूमत बन जाती है हमारी हमारी हमारा मैंडेट आ जाता है कि अगर उनको फिर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब तहरीक नई तहरीक बनाने का आप लोगों को कहते हैं और उसकी सदारत मांगते हैं तो क्या आप लोग तहरीक तहफ्फुज़ आइने पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो छोड़ देंगे? हमारे इस वक्त के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और रहेंगे। तहरीक तहफ्फुज़ आइने पाकिस्तान हम लोग एक हैं, हमारा मकसद एक है और इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाएंगे और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारा हिस्सा बने। चलिए आवाज़ दिया देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़े तौर पे उनको बताया और ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो उनका एक अपना मौकफ है, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, ना ही रूफ हसन साहब है, वो अपना व्यू जो मैंने अखबारों में पढ़ा है उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि उनके रास्ते अपने हैं और वो भी आईन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, जो कि ये मौजूदा हुकूमत नहीं है, ना ये आईन में यकीन रखते हैं ना ये कानून की बालादस्ती के लिए। नहीं, ये बात नहीं है, रास्ते पैरेलल में हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए सर।